तो हेलो हमारे बाइक्स। अस्सलामुअलैकुम। कैंप्स से बाहर आ गए हैं, सर्दी है काफ़ी ज़्यादा और अभी हम लोग कोई नाश्ते वगैरह का की सेटिंग करते हैं। अब्दुल माजिद भाई यहाँ पे चूल्हा बना रहे हैं, नाश्ता बनाते हैं और फिर सामान पैक करते हैं और ड्राइवर से हम लोग निकलते हैं आगे चोलिस्तान की तरफ। इतने तक हमारा गाइड भी आ जाएगा और हमारा फिर सफ़र शुरू हो जाएगा। बाकी रात अच्छी गुजरी है, सर्दी थी और हवा थी बहुत सर्द यहाँ पे तो, लेकिन कैंप के अंदर सही था। अगर कहीं बाहर जाना पड़े तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती थी। सामान तो जनाब हम लोग यहाँ के मुताबिक फ़्रेश हो गए। पानी का यहाँ पे बड़ा इशू है तो यहाँ पे एक साथ ये लगे हुए हैं हैंड पंप्स जो होते हैं, लेकिन वो खारा पानी है, मतलब कुछ काम के ही काम आ सकता है, बाकी नहीं आता। तो हम लोग यहाँ पे साथ ही जो मेन रोड है वहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है शायद, या टैंक है, पता नहीं क्या है, मतलब वहाँ से पानी भरना पड़ता है फिल्ट्रेशन प्लांट से। तो वहाँ से पानी ले आए हैं। तो कुछ पानी वैसे मिनरल वाटर भी था। पानी चूँकि ज़्यादा इस्तेमाल होता है यहाँ पे, पानी का इशू होता है, तो इसलिए हमारे पास वैसे 2 कैन थे पहले से। तो हम लोगों ने अभी नाश्ता तैयार कर लिया है, वो करते हैं। और यहाँ पे मैं फ्रेम बना रहा था, बाइक मेरा खड़ा है, कोई फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। इतने में हम लोग कैंप भी क्लोज़ कर लेंगे, नाश्ता भी कर लेंगे और हमारे जो गाइड हैं, क्या नाम है, नथु शाहीन, वो भी आ जाएंगे। तो फिर हम लोग चोलिस्तान की तरफ सफ़र करेंगे। मिलते हैं। हमने एक बार सुबह को चाय पी ली, अब ये दोबारा बना रहे हैं नाश्ता, क्योंकि अभी तैयार हुआ है तो अभी ये दोबारा चाय बन रही है नाश्ते के साथ। तो जनाब हम लोग सामान हम लोगों ने बांध लिया। काफ़ी टाइम लगता है सामान बांधने में, क्योंकि ये देखें, ये अभी छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये पूरे 2 घर बने हुए थे यहाँ पे। बहुत सारा सामान है, बड़ी मुश्किल से हमने रस्सियाँ खींच कर उसको छोटा किया है, क्योंकि हमने अभी जो हमारा प्लान है, देखें होता क्या है कि हमने डेजर्ट पे, मतलब ऑफ रोड है सारा, तो उस पर ज़ाहिर है फिर बाइक गिरता भी है, तो सामान की तरफ से हमें कोई इशू ना हो। तो अभी तक हम लोग खड़े हुए हैं, 10 भी बज गए हैं, 10 से ऊपर है और हमारा गाइड अभी तक नहीं आ रहा। अब हमने ये सोचा है, चलो हमने ये सोचा कि गाइड से तो अभी रब्ता नहीं हो रहा, तो चोलिस्तान में आगे उसने हमें लेके जाना है। और तो करीब है ये अब्बासी जो शाही मस्जिद है, तो वहाँ चले जाते हैं, उसकी थोड़ा सा विज़िट कर लेते हैं। वैसे हम लोग आए थे 2021 में शबशी, तो अब दोबारा चले जाते हैं, तो एक छोटी सी एपिसोड ही बना लेंगे उसकी। तो इतने तक हो सकता है उसका राब्ता हमारे साथ हो जाए, नहीं हुआ तो फिर इस तरह हम ख़ुद कोई प्लान करते करते कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो करीब हमें आधा घंटा या 1 घंटा वहाँ पे लग जाएगा। है भी बिल्कुल ड्राइवर के बिल्कुल साथ है। अब ये सोच रहा हूँ मैं कि ओह हो कि उसके साथ असल में बहुत सारे जो रोड हैं या ट्रैक्स हैं वो बंद किए हुए हैं, तो देखते हैं कौन सा रास्ता खुला है। इधर से चेक करते हैं, मेरे ख्याल में ये रास्ता है। पहले हम रास्ता आगे चले गए, फिर जब वहाँ से रास्ता बंद था फिर वापस आए ट्रैक पे। तो ये अब मस्जिद के बैक साइड से हम लोग आ रहे हैं, यानी ड्राइवर वाली साइड से आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक पहले जब हम आए थे मेला किस्म का था, एक मेला उस तरफ भी लगा हुआ है। यहाँ पर स्टाल टाइप है, ख़ास चोलिस्तानी जो कल्चर है वो आपको यहाँ नज़र आएगा। हाँ, पार्किंग भी तो करनी है। इधर ठीक है जी, जा रहे हैं। ट्रैफिक वालों ने तो कहा है परे हो जाओ यहाँ से। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक पार्किंग थी, कहाँ है पार्किंग ये है, लेकिन सामान किसके पास रखेंगे? हमने तो आधा सामान उतारना होता है। चलो ये जगह ठीक है, ये मशवरा सही है। होटल वाले के पास जाते हैं, चाय भी पी लेंगे और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अपने बाइक पार्क करते हैं और सामान भी उनके पास रख लेते हैं, अगर वो मान गए तो। ये जगह बिल्कुल सही है। तो ड्राइवर के बिल्कुल साथ ये शाही मस्जिद है, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो सोचा कि हम यहाँ से निकलें इस रास्ते से, जो आपने देखा है। पार्किंग का इशू था तो हमने वहाँ पर पार्क किए एक होटल के साथ। उसे हमने कहा कि हम आपको कुछ दे देंगे, थोड़े बहुत चार्जेस। प्रॉपर पार्किंग नहीं मिली तो फिर बहुत सारा सामान होता है, अब सामान कहाँ उठाते रहेंगे। तो चलते हैं। तो जनाब ये हम लोग आ गए मस्जिद में। हम 2021 में यहाँ पर आए थे पहले, लेकिन मैंने उस वक्त व्लॉग नहीं बनाया था, शायद कि मैंने उस वक्त चैनल भी नहीं बनाया था। तो काफ़ी खूबसूरत, मैं आपको रियर कैमरे से सारा दिखाता हूँ। मस्जिद का जो एक ये सहन है वो मस्जिद है, और ये उसका बैकग्राउंड मैं आपको अब रियर व्यू कैमरे से दिखाता हूँ। तो मस्जिद के दूसरे अतराफ में ये आपको बता रहा था, ये मेन एंट्रेंस ये है और इसके दोनों अतराफ में ये यहाँ पर और जो दो रूम्स बने हुए हैं वो हुजरा है। मामे किधर हूँ मैं, पहले रोशनी की सिमत ठीक कर लूँ। तो हम लोग इस ट्रिप पे 3 बंदे आए थे, आना बहुत सारे बंदों ने था लेकिन पता नहीं नागरिक। हम लोग 3 बंदे आए हैं, मैं खुद इमरान द टूरिस्ट, खालिद सर आप इनको अच्छी तरह से जानते होंगे, अब्दुल मजिद अमान इनको भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने छोटे छोटे डेली के जितने ब्लॉग्स बनाए हैं, ट्रिप्स बनाए हैं हम लोगों ने, ये दोनों उसमें लाजम व मलजूम थे। तो कहाँ हैं हम? हाँ, ये तो मैंने इनको बताया कि हम शाही मस्जिद में मौजूद हैं और काफ़ी अच्छी जगह है। और इन दिनों ही जिस तरह मैंने बताया ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और लोग बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ रैली के दिनों में इस तरह होता है, अदरवाइज़ यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं होता जैसे बादशाही मस्जिद लाहौर में है या फैसल मस्जिद में है। तो चूँकि ये फंक्शन इस तरह चल रहा है, आप यकीन करें कि रात को हम लोग कैंप में सो नहीं पाए। 2 चीज़ें, एक बाइक्स और गाड़ियों के जो खुले हुए सलेंसर के शोर था, सारी रात चलता रहा, पता नहीं वो अंधेरे में कहाँ कहाँ भगाते रहे। दूसरा, हर तरफ म्यूज़िकल नाइट्स थी या लोगों ने बड़े बड़े स्पीकर, आजकल वो है ना ब्लूटूथ वाले बड़े बड़े स्पीकर, वो गाड़ियों के साथ कनेक्ट किए, गाड़ी को का वो मतलब उसको खोल के ना सारी रात ये काम चलता रहा। करीब हम 4 बजे तकरीबन, हाँ यानी 3:30 के बाद 4 बजे हम लोग ने सोए हैं। और कैंप में आपको पता है सुबह सवेरे ऑटोमेटिकली आपको उठना पड़ जाता है। तो आज फिर हमारा सख्त दिन है, फिर से मैं वही कहूँगा कि जो हमारा गाइड है वो अपना फ़ोन उठा रहा है ना फ़ोन कर रहा है। बस आज हमें 11 से ऊपर टाइम हो गया, अपना गाइड खुद बनना पड़ेगा। यस, हमें आज कुछ करना पड़ेगा। अभी हम लोग निकलते हैं, हम लोग चाय पियेंगे अभी, हाँ चाय पीते हैं और आपको साथ साथ अपडेट करते हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रिलैक्स है, रिलैक्स है, हाँ।